एक दिन बैठी के बाद अपनों के कुछ लोग कंफ्यूजन जहाँ तक करना छे नी सुनिए ना आरो सुनो शैलेंद्र भाई काठो घरिया की बार चढ़ी छे हमने विनोद से यहाँ से संसद करा के निकाली लो जो पार्टी सुरक्षित है तो ऊपर पर भी तुमने मारे ला फिर थवा कर दो। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। बिहार में जारी सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार फिर से बीजेपी और जदयू के विधायक आमने सामने हो गए हैं। बिहार में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी और जदयू के विधायकों का बयान मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बिहार में अरुणाचल प्रदेश के मामले को लेकर सियासत गर्मा गई थी। अभी अरुणाचल प्रदेश का मामला शांत भी नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी और जदयू के विधायकों का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर विधायकों की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। गोपाल मंडल द्वारा एक जाति पर वोट नहीं देने का आरोप लगाने के बाद से नवगछिया अनुमंडल में विरोध शुरू हो गया है। भाजपा द्वारा नवगछिया में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाराजगी जताई गई थी। वहीं जदयू ने गुरुवार को भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। हालांकि बिहारी न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो, हाँ इंजीनियर साहब। जी जी, प्रणाम भैया। प्रणाम, की समाचार छे? ठीक छे। नागरिक अभिनंदन तो अपनो करवे ले, हमरा ने बोले ले। कहो। अरे भाजपा का पूछा मु सब रखी हम कुछ करवा अपना वो सब रखी दो। अरे आप नहीं, उस सब का लोजपा प्रचार करके वो भूमिहारे कोटा हमारा वोट दिल के लिए एक दिन बैठी के बाद अपनों के कुछ लोग कंफ्यूजन जहाँ तक करना छे नी सुनिए ना काठो घरिया की बार चढ़ी छे सुनो सुनो, अगर मुख्यमंत्री करिए जितने ले देंगे अगला बार बुलवा जीतते तो हर भू सुनी ले तो करो बिहपुर का राजनीति गोपालपुर छोड़ी दो। गोपालपुर भूमियारो का बनिया हमारा से पैदा देखिए अपने घबरिए नहीं हमारा एकदम अपने घबरा गलो किए हमने विनोद से यहाँ से संसद करा के निकाली लो जो पार्टी सुरक्षित है तो ऊपर पर भी तुमने मारे ला फिर थवा कर दो चार बार ललकारी को भूमिया रो खेती ना नहीं विनोद जी का खेत में खेत खेत मुन बाद में हो अभी अपने स्वाद यादव सब जिंदा थी सब तो सरकार जिंदा करो अपने गलत कन्विंस करी देना छोड़ते। अरे भैया सुनो ना, अपने गलत कन्विंस कर रहे चंद्रोदा सुनो हमारा कहे मतलब जय विजय सिंह भट्ठा पर टिपुआ भट्ठा पर 70% दारू पकड़ा लेकू स्थगित कर लिए विजय सिंह टिपुआ खड़े कल बैठक बोले गाड़ी पर चढ़ी प्रचार कर मकानपुर और सैदपुर चलो गए सकता है मैं सुनिए ठीक बात कर सुनिए अरे सुनो ना मुक्ति लो अच्छी तो सब सुनो पहले तो सुनिए तब ना तो हमारा बुझा रहा छो कहे के मतलब ही वहाँ प्रचार कर लगे चार साढ़े चार हजार झबुआ के झबुआ साढ़े चार हजार वोट लेलके और झबुआ पर अभिनंदन में थे कार्यक्रम में वो हम बोले जैसे भाषण में कह लिया किसको कौन घुसाया पार्टी में कौन लाया इसको आपने सुनिए भाषण बुझलिए हमें कहलिए इसको जो पार्टी विरोधी आदमी है आपने हमारे भाषण सुनिए वहाँ रिकॉर्ड थे सुनिए भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष रहते हुए सुनिए तो कहे मतलब अनिल बाद जादे वहाँ बहन चुरन झबुआ खड़ा कर लगे बुझलो नी आ गुरबिया सर जितना छो शेखपुर सबका एक साथ रहे लोजपा साथ केना हमें गुजरलो छे वही समय छोड़ी के शैलेंद्र भाई तोरा प्रचार में जाय छे तोरा पता नहीं छो तोरा नहीं भी कह तैयो हम भूले छर्रा पार्टी टोलो विनोद मंडल के हम भेजने छे बुझलो नी तोरा प्रचार में कहलिए विनोद जा इज्जत को सवाल छे सब कुछ अपने के विनोद के बारे में पता नहीं
कितना डैमेज तोरानी की करना है तोरानी की। अरे भाई जखनी टिकट के विरोध में चले चले जब आवी के विरोध का ना सुन ना ना साहब का सुने सुबह की नाम से विजय कुशवाहा से बल्हा को करा ये फोन करी करना थे कि सिलेंडर को काहे साहब दे रहा गुहारा ये सब प्रमाण से अपने। अरे भाई सब अरे सुनो सब प्रमाण न हमरो कहे मतलब जिला अध्यक्ष के बुझो नी जिला अध्यक्ष छोटो या बड़ो जिला अध्यक्ष सम्मान दो सम्मान देवो सम्मान को दो सुरेंद्र बाबू सम्मान नहीं देना चाहिए हम ही बनवे लिए हमारे सब सुनो नी तो सब करो गोपाल बाबू इनके छोड़ भी करो बार बार जीत करे अध्यक्ष गोपाल बाबू सुनो सुनो तो एक प्राइवेट भाजपा कार्यालय खरीदो वहाँ सामूहिक बैठक होते सामूहिक बैठक होते सुरेंद्र बाबू तुम करियो भाजपा कार्यालय छोड़ी दो कथी गोपाल बाबू तो आबे छू भाई तो अनिल यादव मिली मिली कैसे कर ले हमारा बार बार पूरा भूल गए पूरा भूल गए केना सरकार बनते केना बुलवा प्रयास करबे आगू तो ही हमें करे ले पवन अथी पवन पवन चौधरी करो लेकिन कोरोना में कोई मिल ले नहीं पवन चौधरी टिकट दिलाए थे अगर मिलती है लीडर सब ना पवन चौधरी दिलाए अंडरस्टोर हो समझ लो लेकिन वह बात क्या भूल ही गई समाप्त कर लिए तो हम बड़ा छोटो भाई बनी गए तुरा चुनाव जीती में ठीक समझे ठीक समझे बेटी अपने निकालो मोकाल विधायक ने माना कि ऑडियो कुछ दिन पहले की है। ऑडियो वायरल होने के बाद से क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति गर्मा गई है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प है कि दोनों ही पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे मामले को किस तरह से शांत कराकर एक बार फिर से गठबंधन को मजबूत होने की बात कहता है। बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही राजनीतिक गतिविधियों के बारे में हम आपसे अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।